आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। गोमिया उपचुनाव की बदलने लगी फिजा, अपने ही बुने जाल में फंस रहे योगेंद्र प्रसाद और लंबोदर महतो। गोमिया में रघुवर दास की रणनीति हो रही सफल, माधव लाल का ऊपर उठने लगा ग्राफ। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। प्रकाश डाल रहा हूं गोमिया विधानसभा के उपचुनाव पर, जहां झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता, आजसू के उम्मीदवार लंबोदर महतो और भाजपा के उम्मीदवार माधव लाल सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला साफ नजर आने लगा है। आज एक हफ्ता पहले जब गोमिया उपचुनाव की चर्चा होती थी, जो माधव लाल सिंह को ये कहकर लोग किनारा कर लेते थे कि भाजपा ने बूढ़ा घोड़ा पर दांव खेला है और उपचुनाव की वैतरणी में ये घोड़ा पार नहीं पा सकता, एक खास जाति विशेष के लोग सिर्फ दो उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करके विराम लगा देते थे और वो दोनों हैं झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता और आजसू के उम्मीदवार लंबोदर महतो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लंबोदर की आंधी में सब धाराशायी हो जाएंगे, लेकिन मात्र एक हफ्ते की रघुवर रणनीति का ये असर है कि अब वहां हर आदमी त्रिकोणीय मुकाबले की बात करने लगा है। भले ही रैंकिंग में माधव लाल को जो नंबर लोग दें, लेकिन मुकाबले में लोग मानने लगे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि माधव लाल ने 3-4 दिन से जो रफ्तार पकड़ी है वो भाजपा के लिए सुखद संकेत है। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति है कि मात्र एक हफ्ते में ही माधव लाल मुकाबले में दिखाई पड़ने लगे। दरअसल रघुवर दास ने माधव लाल पर दाव ही इसलिए खेला क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता प्रसाद, जिन्हें हेमंत सोरेन ने पार्टी का टिकट दिया, और आजसू के उम्मीदवार लंबोदर महतो, दोनों एक ही पाठशाला यानी सुदेश महतो की पाठशाला से निकले हैं और दोनों अच्छी तरह ये जानते हैं कि वे एक दूसरे को कैसे फंसा और पछाड़ सकते हैं। कहते हैं जब अखाड़े में एक ही गुरु के दो शिष्य हों तो उनका एक दूसरे के विरुद्ध अपनाया गया हर दाव खारिज होने लगता है और बाहर बैठा कोई तीसरा पहलवान उनकी शैली पर पारखी नजर रख कर अपने दाव से उन्हें पटकनी दे देता है। यही स्थिति अब गोमिया विधानसभा की भी बनने लगी है। यहाँ लंबोदर महतो और योगेंद्र प्रसाद के बीच राजनीतिक लड़ाई अब व्यक्तिगत लड़ाई बनती जा रही है और वे दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने लगे हैं। मसलन लंबोदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगेंद्र प्रसाद ने कैसे कोयले में अपने हाथ काले किए, तो योगेंद्र प्रसाद ये बता रहे हैं कि कैसे लंबोदर महतो ने लंबे समय तक सरकारी योजनाओं में कमीशन खाते खाते PhD हासिल कर ली। यही नहीं, कुछ और तरह के अभियान भी चलाए जाने लगे हैं। दोनों के बीच प्रचार युद्ध चरम पर है और जाहिर सी बात है इसमें पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं की किस्मत जाग गई है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को दोनों ही पहचानते हैं और कार्यकर्ता भी दोनों को बखूबी जानते हैं, इसलिए उनके दरवाजे पर जाने से कार्यकर्ताओं को कोई संकोच नहीं हो रहा है। सुबह में जो कार्यकर्ता योगेंद्र प्रसाद के पार्टी कार्यालय में दिखते हैं, शाम का अंधेरा होते होते वे लंबोदर महतो के कार्यालय के चक्कर काटने लगते हैं। इधर भाजपा उम्मीदवार माधव लाल का प्रचार अभियान बहुत ही संगठित तरीके से चल रहा है। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की कमान को संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पेटरवार में कैंप करके संभाले हुए हैं और मुख्यमंत्री रघुवर दास पल पल की उनसे खबर ले रहे हैं। वहीं माधव लाल सिंह का अपना खेमा अलग तरीके से प्रचार अभियान चला रहा है। माधव लाल का प्रचार अभियान दिन के 1 बजे से शुरू हो रहा है और सुबह 2:30 से 3 बजे तक चलता है, जब लंबोदर महतो और योगेंद्र प्रसाद के समर्थक सो जाते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा ने यहां ब्लॉक स्तर पर अपनी टीम गठित कर दी है
और हर एक नेता पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है जिन्होंने गोमिया से अपनी उम्मीदवारी जताई थी। भाजपा नेता छत्रुराम महतो, गुणानंद महतो, लक्ष्मण नायक और देव नारायण प्रजापति को संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विशेष जिम्मेदारी दी है। इतना ही नहीं, भाजपा ने वहां 3 दिन का विशेष संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। 3 दिन तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान चलाएगा। ये अभियान 13 मई से शुरू हो रहा है और 15 मई तक चलेगा। 16 मई से भाजपा यहां धुआंधार प्रचार अभियान चलाएगी। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी 2 से 3 दिन तक यहां प्रचार अभियान चलाएंगे और एक एक कार्यकर्ता में जोश भरेंगे। यही नहीं, भाजपा ने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। उनमें पार्टी के महासचिव अनंत ओझा, बोकारो के विधायक बिरंची नारायण, मंत्री अमर कुमार बावरी, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा सहित 1 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं, विधायकों और सांसदों को यहाँ अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कुछ नेता तो अभी से वहां कैंप कर रहे हैं, जबकि बाकी के नेता 15 मई से वहां डेरा डाल देंगे और चुनाव तक वहां से नहीं हिलेंगे। प्रचार के तरीके को भाजपा ने धारदार बना दिया है। यहां पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं की सूची संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बनवा दी है। यहां प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के लिए अलग से न्यूज के लिए वार रूम बना दिया गया है और वो टीम काम भी करने लगी है। ब्लॉक स्तर पर भाजपा का एक एक नेता तैनात है और वहां से वो सीधे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद सबके टच में हैं। यही नहीं, वनवासी कल्याण केंद्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा से संबंध हर तरह के संगठन के लोग गोमिया विधानसभा का दौरा करने लगे हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो रणनीति तैयार की जा रही है उसके मुताबिक 15 तारीख के बाद यहां भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और मुख्यमंत्री खुद उसकी कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री की यही रणनीति और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के जमीनी स्तर के काम ने ही माधव लाल सिंह को गोमिया में न सिर्फ मुकाबले में खड़ा कर दिया है, बल्कि अब उनको लेकर भाजपा बड़ा सपना भी देख सकती है। खुद माधव लाल सिंह में गजब का उत्साह दिख रहा है। उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि 2014 के मुकाबले माधव लाल सिंह सचमुच में जवान दिख रहे हैं। 2 साल पहले ही उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवा लिया है और अब वो तेज गति से चल भी रहे हैं। इस चुनाव में उनका उत्साह देखते ही बनता है। कहते हैं, हमें हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विश्वास पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने दरवाजे पर बुलाकर उन्हें जो सम्मान दिया, टिकट दिया, उस सम्मान और टिकट की लाज वो हर हाल में रखेंगे। चलते चलते अगर ये कहा जाए कि गोमिया बदलाव की कहानी लिखने को तैयार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी चुनाव में लगभग 2 हफ्ते बाकी हैं। ये 2 हफ्ते कोई भी इतिहास और कहानी लिखने को काफी होते हैं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अब माधव लाल सिंह को कोई बूढ़ा घोड़ा नहीं कह सकता। वो लंगोट कसकर चुनावी अखाड़े में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। एक बार फिर गोमिया में उनकी उम्मीदवारी और प्रतिबद्धता की चर्चा होने लगी है। माधव लाल सिंह कहते हैं, यही हमारी पूंजी है और इसी पूंजी के सहारे वे भाजपा के विश्वास पर खरा उतरेंगे। आज के चुनाव विश्लेषण में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।